वेलकम टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद यू वंस अगेन विद अनदर वीडियो. और मैं हूँ आतिफ अहमद और मेरे साथ कमाल जी. और आपको बताते चलें कि ये एक बड़ी स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए. बड़े सालों से मैं एक लेफ्ट हैंडेड गिटार ढूंढ रहा था, इलेक्ट्रिक गिटार. और एवेंचुअली ये वो दिन है जब मुझे ये फ़ोन आया हाई वोल्ट से. इन्होंने कहा कि जी लेफ्ट हैंडेड गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार अब अवेलेबल है, आप आएँ और आप आके हमसे ले जाएँ. सो इट्स अ वेरी नाइस शॉप, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैंने आपको बताता चलूँ, अपना पहला गिटार यहीं से लिया था 2011 में. हाई वोल्ट्स, हाई वोल्ट्स के वैसे काफ़ी शोरूम्स हैं, लेकिन ये हम बैरिया फेस 4 के सिविक सेंटर में, इन्होंने एक कुछ सालों पहले ये शोरूम ओपन किया था. और यहाँ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी वैरायटी है. प्रॉब्लम ये थी कि आतिफ क्योंकि लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड गिटार्स को मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल से मिलता था. लकीली इनकी तरफ एक नया गिटार आ गया और उन्होंने कॉल किया आतिफ को कि भाई हमारे पास एक लेफ्ट हैंड गिटार आया है, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आ जाएं. तो फिर हमने एकदम प्लान किया कि हम सीधा जाते हैं हाई वोल्ट्स और जाके गिटार लेकर आते हैं. और ये मैं यहाँ पे इस वक्त ये टी शर्ट ढूंढा था तेरे लिए, गन्स एंड रोजेज वाली, लेकिन वो जो स्पेसिफिक टी शर्ट तुझे चाहिए थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी उस दिन. नियत की बात होती है यार, बस मेरी 10 और लटकी हुई थी. नहीं, तूने गन्स एंड रोजेस कहा था, मैंने गन्स एंड रोजेस ढूंढी. तू मेटालिका ले आता, टॉम एंड जेरी ले आता. वो ये अच्छी बात है, कार्टून नेटवर्क मिली. तो ये फाइनली जी गिटार उसको मिल गया. वो शोरूम में एक ही पड़ा हुआ था, वो कहीं से ढूंढ के लेकर आया. और मैं पिछले 6 महीने से इनको फोन करके तंग कर रहा था कि मुझे गिटार मंगवा दें. अच्छा, इंटरेस्टिंगली अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऑनलाइन खरीद लेता. मैं ऐसा कोई सुस्त आदमी हूँ, मेरा दिल करता है शॉप पे जाके खुद गिटार लूँ. इसी सुस्ती की वजह से मैंने ऑनलाइन कभी नहीं परचेज किया. लेकिन आई थिंक जब ये मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हो, आप फिजिकली जब तक ना जाके लें और उसको वहाँ बजा के चेक कर लें, और मतलब मे बी आपके उस टाइम पे आपके अपना एक थॉट है ना कि ऑनलाइन और फिजिकली उसको यूज करने में आपकी थॉट चेंज. लेकिन वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, बैगर्स आर नॉट चूजर्स. मेरे लिए मसला था कि मैं उसको ये कह नहीं सकता नहीं ये पसंद नहीं, कोई और दे दे, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड उसके पास ये एक ही पड़ा. हाँ, लेकिन ये अच्छा हो गया ना, आप जाके फिजिकली खुद ले लिए. लेकिन वैसे मैं हैरान हूँ कि इतने ज्यादा लोग गिटार नहीं बजाते लेफ्ट हैंडेड. मैंने बड़ी जगहों पर ये ढूंढने की कोशिश की यार, वो असल में स्पेशल चाइल्ड भी तो हर एक को नहीं होता ना. जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के भी जो तेज तरीन बॉलर्स थे वो लेफ्ट हैंडेड ही थे. अच्छा, अगर आपको याद हो तो. जी जी, ज्यादा. और बैट्समैन भी, ओपनिंग बैट्समैन. हाँ जी, आज तक भी टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं. बस वो एक ही बैट आया था, इसलिए आपको भी एक ही गिटार है. तो ये भाई हमें यहाँ पे जहाजेब होते हैं, ही हेल्प मी अ लॉट. इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड रखा हुआ था और इन्होंने मेरे लिए गिटार स्पेशली रखा हुआ था. और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि हाई वोल्ट्स की तमाम जो उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अपने ब्रांडेड हैं. तो हाई वोल्ट्स, अच्छा हाई वोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करा रहा है या खुद कर रहा है या किसी से करा रहा है? ये इनके अपने ब्रांडेड होते हैं. अच्छा, मेरा प्लान ही था ये गिब्सन या फेंडर मिल जाता, लेकिन अब चूंकि हमारे पास ये यामाहा के भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं थी. ये मैं प्ले कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, बिल्कुल पहली दफ़ा जिंदगी में मैंने इलेक्ट्रिक गिटार पकड़ा. इससे पहले मैं खोजते बजाता रहा हूँ इसकी साउंड का, जरा आई डोंट नो, उस वक्त मुझे आइडिया नहीं हो रहा था क्योंकि जाहिर है इलेक्ट्रिक गिटार की थोड़ी सी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अकूस्टिक. मैं इसको जरा अकूस्टिक स्टाइल में जब कोशिश कर रहा था तो साउंड वो बन नहीं रही थी, इसलिए आप देखेंगे काफ़ी अजीब भद्दी सी एक आवाज़. इसके बाद जो आपने वो एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कराई है, हाँ आई थिंक स्ट्रिंग्स के गाने के ऊपर, स्ट्रिंग्स से, हाँ स्ट्रिंग्स के जुनून पे, तो वो तो काफ़ी अच्छी इसकी वॉइस ऐप लगा के तो फिर तो बहुत ही अच्छी आवाज़ आई है. तो ये अभी आप देख रहे हैं, मैं मुख्तलिफ तरीके से इस गिटार को बजा के ये चेक करना चाह रहा हूँ कि साउंड सही निकले, लेकिन इस वक्त काफ़ी बेसुरी आवाज़ आ रही थी. मुझे लगा शायद गिटार में मसला है, मुझे ध्यान आ गया नहीं, ज़रा आई थिंक ट्यूनिंग का इशू होगा, क्योंकि फिर जब घर आके इसको दोबारा ट्यून किया. ये जिस तरह आपने बजा रहे थे इस टाइम पे आप, तो दिल में यही करता आपसे वापस ले लो, कहो चलो भाई मेरे पास एक कैजन भी है वो लिया हुआ यहाँ से, इसके अलावा एम्प्स और केबलिंग काफी कुछ मैं यहाँ से लेता. लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल शॉप. हाँ. आपको हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट यहाँ से मिल सकता है
और प्राइस भी ठीक है वैसे, ओवरऑल रीजनेबल, बिल्कुल रीजनेबल है। वैसे हम चले वैसे यूजर्स को बता अपने कि क्या प्राइस कहती है इस गिटार की। ये 40,000 है। तो ये ड्रम्स भी हैं इनके, देखें ये भी, और काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस में। ये ड्रम सेट जो था इट वॉज फॉर 48,000। तो ये बेसिक है बिल्कुल ड्रम, हाँ मतलब एक इट्स अ वेरी लो रेंज ड्रम, वैसे तो वेरी एक्सपेंसिव। मुझे याद है मैंने अपना 2005 में जब ड्रम्स लिए थे, ड्रम सेट लिया था, तब 25,000 का पड़ा था, बिल्कुल बेसिक जो सस्ता ड्रम होता है। अच्छा। लो रेंज में उस वक्त टामा या यामाहा मिल जाता था 1-1.5 लाख का। अच्छा। तो अब तो आई थिंक वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे, ऑलमोस्ट डबल तो प्राइस हो गई होगी। आई एम नॉट रियली श्योर क्योंकि मैंने टामा या यामाहा अभी तक देखा नहीं पाकिस्तान में। लेकिन वैसे ये एक वायद ऐसी आउटलेट है इंस्ट्रूमेंट्स की कि जैसे मॉल्स में जाकर हर चीज़ कैचिंग सी लगती है ना लेने के लिए, ये भी ले ले बंदा, ये भी ले ले। वैसे ये गीगा मॉल में भी ओपन कर रहे हैं अपना एक। अच्छा, हाई वोल्ट्स वाले। हाँ गुड। चलिए जी, इसके साथ यू कैन सी आई एम गोइंग बैक, हमने पैसे दे दिए। It was a short video. Thank you very much for staying with us and don't forget to subscribe to my channel.